ओम शांति। 25 जून 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्ट ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। यह कर्मयोग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था। एक दो को दुख ही देते रहते थे।
यहाँ का सुख तो काग विष्ठा समान छी छी है। विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझाते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान को तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बदलते हैं ना, सौदागरी करते हैं। धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई में 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम। इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होता नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया निष्काम सेवा हो नहीं सकती। फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो।
अच्छा तुम एक पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुधामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है। थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। इविल काम में आए। आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा घर में कोई हाल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे, अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज, कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो, टिक्कर बितर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांग ही थका देते। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है, भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धी आदि यह सब बाईप्लाट्स है, नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारीपन शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है।
अभी यह खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापना होना है। कल्प कल्प स्थापना करते हैं परंतु इनका वर्णन कायदे सिर है नहीं। नंबर वन बात है भगवान उवाच। भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, बाप आते ही हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो, दुख में सिमरण सब करे। जब आफत आती है तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी यह कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को आ पाऊँगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अपने मार्जिन बहुत है, अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि यह क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना? आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे ज़ोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देगी। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा ही गुप्त है, गुप्त सेना भी गाई हुई है ना, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है।
इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सद्गुरु तो एक ही है, एक ही निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं तो सद्गुरु हुआ ना, बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापना कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह दादे का वर्षा है, बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। सद्गुरु साथ ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है। ज़रूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, भारत स्वर्ग था अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, यह तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट,
बाप के डायरेक्शन से सुधा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है, ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे एक तरफ, एक डिस्टर्ब करे दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले। कोई इंसल्ट कर दे लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति।